अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बी सपोर्टिव, हैप्पी विमेंस डे। मेरे साथ है उरूज और इनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोग जानते हैं द सीक्रेट स्पाइसेस के नाम से। कि क्या बात है भाई, कौन से सीक्रेट स्पाइसेस हैं जिससे खाना इनका लाजवाब लगता है। बारबेक्यू प्लेटर है, स्नैक्स है और बिरयानी है। तो वेलकम करते हैं उरूज को। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू से कि आप लोगों की एफर्ट और आप लोगों का ये इतना सपोर्ट हमारे लिए, इट मीन्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सीक्रेट स्पाइसेस रखने का क्या नाम, ये दिमाग में कैसे आया? सीक्रेट स्पाइसेस एक्चुअली क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं आपकी जिसमें आप मास्टर होते हैं, ओके, तो वो आप यू नो यू डोंट वांट टू टेल टू एनीवन एल्स। आपकी कोड, आपकी कोड रेसिपीज़ होती हैं। कोड रेसिपीज़, तो बस इसीलिए इसका नाम हमने सीक्रेट। कितने साल हो गए इसको करते हुए? It's hardly 8 months. और कितना बूस्ट मिला कोविड के अंदर, मतलब फिर कोविड में शुरू किया आपने इसका? एग्जैक्टली कोविड में शुरू किया था, सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट सितंबर। बल्कि वो बड़ा पीक था उस वक्त। पीक था और थोड़ा जाहिर है जब स्टार्ट लिया था तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, अरे वाह, और टीचर भी हूँ और ये कि कुछ आइडिया नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरी एक बहन है उसने मुझे बड़ा बहुत सपोर्ट किया इसमें, और आपके सामने है सारा कुछ। नहीं, जमिल की बड़ी आवाज़ें पीछे से आ रही हैं, तो जमिल अगर आप थोड़ा सा खामोश हो जाए ना तो उरूज आंटी का बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू हो जाए। खैर, ये अब बताएँ कि क्या क्या सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन है या कुछ और भी चीज़ें इसके साथ? नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूं, तो मैं करती रहती हूं कुछ भी। कॉन्टीनेंटल भी है, पाकिस्तानी भी है, फ्रोजन डील्स भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस कोविड के अंदर आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और जो उस वक्त कोविड था वो पीक था सितंबर में, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि फिज़िकली मैं ये नहीं कर पाती। जो कुछ भी बूस्टअप मुझे मिला है, जो भी प्रमोशन मिली है, वो मुझे ऑनलाइन ही मिली है। तो फिज़िकली यू नो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे लोगों को, तो लोगों ने प्रेफर किया कि वो ऑनलाइन बिजनेस करें। ऑनलाइन बिजनेस करें, ज़बरदस्त। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इन 8 months बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं, मैं देख कर बड़ा सरप्राइज भी हो रही हूँ, बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि बड़ा अच्छा से जो है वो प्लेटर्स भी बनाए, प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छे मेन्यू कार्ड्स भी बनाए हुए हैं, और क्योंकि टीचर हैं तो डिजाइनिंग भी वैसे ही हुई है, बड़ा जबरदस्त। ये किड्स मेन्यू है एक्चुअली। ओह वाओ, दिस इज अकॉर्डिंग टू किड्स। अच्छा, चिकन नगेट्स और चिकन चीज नगेट्स। वाह, तो फिर मुझे जमिल के लिए मंगाने पड़ेंगे उनके स्कूल के लिए। बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, ज़बरदस्त सीक्रेट स्पाइसेस। एंड आई होप कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ करे और आगे जो है वो आप वर्किंग करें, डिफरेंट और कुजींस पे काम करें। मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी एंड आई होप कि आप लोगों को भी इंटरव्यूज सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। और ये सारी मोटिवेशन स्टोरीज थी, कुछ लोगों ने कोविड में स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने जो है वो उसको पहले से काम कर रहे थे, उसके बाद मज़ीद बूस्ट किया अपने आप को। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे आप अपने थोड़े थोड़े से चीज़ें जो हैं वो अगर आप करें। थैंक यू वंस अगेन कि आप लोग इसे सपोर्ट करते हैं और हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और नए नए मेंबर्स जो हैं वो हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये कारवां और बढ़ाए और हम हर किसी के लिए एक रोज़ी का ज़रिया बने और हम लोगों को सपोर्ट करें। तो थैंक यू, एंड थैंक यू AR प्रोडक्शन, थैंक यू IQ पिक्चर रेट, थैंक यू हेयर सलॉन, थैंक यू फेस्टीज, थैंक यू द ब्रुकफोर्ड्स, एंड थैंक यू अक्षत दरानी। अल्लाह हाफ़िज़।